हेलो दोस्तों, ड्रीमा भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ऐसा पार्ट लेके आए हैं जो बेसिक छोटा है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, आज हम लोग विशेष अधिवेशन पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सभी चर्चा किया कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, लेकिन यह अधिवेशन जो है, यह जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था उस अधिवेशन के बारे में तो देख लेते हैं। पहला जो अधिवेशन हुआ था वह 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था और सैयद हसन इमाम के द्वारा हुआ था। पहला अधिवेशन जो हुआ था वह सैयद हसन इमाम के द्वारा कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन जो हुआ था वह 1918 में आयोजित किया गया था, 1918 में आयोजित किया गया था और यह आयोजित किया गया था बम्बई में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण कार्य मतलब जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी वह ये थी कि यहाँ हम लोगों ने देखा कि पहली बार जो कांग्रेस में फूट पड़ती है तो वह 1907 में सूरत के अधिवेशन में पड़ती है, वहाँ नरम दल गरम दल में विभाजन हो जाता है। लेकिन 1918 के विशेष अधिवेशन में जो विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है तो वो इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि यहाँ दूसरी बार जो है कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। और वहाँ हम लोगों ने देखा कि गरम दल के जो नेता थे वो कांग्रेस से अलग हुए थे, लेकिन यहाँ जो उदारवादी नरम दल के नेता हैं जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी समेत तमाम जो है उदारवादी नरम दल के नेता जो होते हैं वो कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, कांग्रेस से इस्तीफा दे करके अलग हो जाते हैं। इसलिए इमरजेंसी में ये विशेष अधिवेशन जो है बुलाया जाता है, तो किसकी अध्यक्षता में, सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में। इसके बाद दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वह 1920 में और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय और यह कलकत्ता में हुआ था और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय इस अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे। और यह 4 सितंबर को यह विशेष अधिवेशन जो है बुलाया गया था कांग्रेस का। तो यह 1920 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। और इस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ था वह असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था तो वह असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वह इसी अधिवेशन में पारित किया गया था कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय कर रहे थे। इसके बाद जो अगला अधिवेशन है वह हुआ था 1923 के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। और यह जो अधिवेशन हुआ था यह अधिवेशन हुआ था दिल्ली में और अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल पत्रिका के संपादक अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने 1923 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की। और ये पहले कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे जो सबसे युवा अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो सबसे युवा अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पे कांग्रेस का सबसे अत्यधिक बार जो है अध्यक्षता करने का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम पे है। 1940 से 45 तक जो अधिवेशन का मतलब जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे वो यही रहे थे, चूँकि अधिवेशन बेशक नहीं हुआ था चूँकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया था, लेकिन जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष के पद पर अबुल कलाम आज़ाद ही बने थे और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। इसके बाद है 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू या दिल्ली में यह अधिवेशन भी हुआ था पंडित जवाहर
जवाहरलाल नेहरू नेहरू, और यह जो हुआ था यह जुलाई से सितंबर के बीच हुआ था। जुलाई से सितंबर के बीच जो है यह कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, और किसकी अध्यक्षता में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और जो 1947 का जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया, उसकी अधिवेशन का अध्यक्षता यह भी दिल्ली में ही हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 1947 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो दोस्तों बातें हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, और अभिषेक साथ हमें दे दीजिए इजाज़त। जय भारत, जय हिंद।